इंच 13 इंच लेंथ है तो 14 इंच लेंगे, 5 इंच हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे, 6 इंच यहाँ पे आर्म होल लेंगे और हम ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल को और 1.5 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल की। जितना भी आपका मेजरमेंट है यहाँ पे, जितना भी 1.5 इंच यहाँ पे आता है, 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी फेब्रिक और आप आर्म होल की गोलाई दे दीजिए 1.5 इंच पे और कमर की तरफ से 6.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा, 1 इंच प्लेट के लिए एक्स्ट्रा और फिर आप इसे एज इट इज कट कर लीजिए। फ्रंट पार्ट हम ऊपर बैक पार्ट रख के कटिंग करेंगे, 1 इंच हम लेंथ एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए और सेम पहले आप आर्म होल के शेप दीजिए सेम जैसे हमने फ्रंट बैक का रखा था। और हम फ्रंट का हमारा आर्म होल है उसकी 1/2 इंच बैक साइड पे गोलाई देंगे, 1/2 इंच बैक साइड पे आप निशान लगा लीजिए और 1 इंच की गोलाई आप आर्म होल के फ्रंट के लिए हम देंगे। फिर हम ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे ऊपर की तरफ और कमर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा, ऊपर की तरफ 1 और कमर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक आप लीजिए बैक साइड से। ऊपर की तरफ से 10.5 इंच पे टैक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ से 3 इंच प्रिंसेस कट के लिए 3.5 इंच और ऊपर से 3.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। लेंथ हम लेंगे यहाँ पे ऊपर से टक्स पॉइंट का जो निशान लगाया था और जहाँ पे आर्म होल की गोलाई ख़त्म होती है वहाँ पे हम प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे और फिर हम 2 इंच ऊपर की तरफ से और 1.5 इंच चौड़ाई में लेके आप बीच में से ही कपड़ा हम कट करेंगे। आप कट कर लीजिए इसको एज इट इज जैसे हमने ड्रॉ किया है। 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ गोलाई देंगे यहाँ से और हम कट कर लेंगे और ये बीच का जो कपड़ा था और जो हमने ऊपर की तरफ रखा था वो हम बीच से भी कट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे, 2.5 इंच चौड़ाई देंगे और विड्थ हम देंगे 6.5 इंच। जितना आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।